हेलो फ्रेंड्स, कुमुदिनी की वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। आवाज़ सुना आपने, कितनी ये करारी करारी कुरकुरी सी हमारी मटरी बनी है जो आप कभी भी नाश्ते में खा सकते हैं। और लेयर देखिए इसकी, फिर से आवाज़ सुनिए। तो फ्रेंड्स, आइए इस रेसिपी को बनाते हैं। तो आधा कप मैंने ये पीली मूंग की दाल ली है, बिना छिलके वाली ये दाल है, और इसको मल मल कर मैं धो रही हूँ। फ्रेंड्स, दो तीन पानी से हम मल मल कर धो देंगे, क्योंकि जितने भी डस्ट रहेंगे ना, ये पूरा निकल जाएगा। और इसको एक ग्लास पानी में भिजा कर रख देंगे। दो घंटे बाद ये देखिए, ये इस तरीके से फूल गई है। आप चाहें तो हल्के गर्म पानी में भी इसको रख सकते हैं, एक घंटे में भी फूल जाएगी। फिर उसके बाद मिक्सर में डाल देंगे। वो पानी मिक्सर में ऐड नहीं करेंगे जिस पानी में भिजाया था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग भी चैनल पे पहली बार हैं, नए हैं, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जितना पानी डाल दिया है और इसको पीस रही हूँ। ज़रूरत लगने पर थोड़ा पानी हम और ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, जितना ज़रूरत लगे इस तरह से महीन पीसा जाए उतना ही पानी ऐड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये मूंग की दाल अच्छे से पीस चुकी है। अब हम एक बर्तन में निकाल रहे हैं इस तरीके से, और 1 चम्मच जितना जीरा, 1 चम्मच जितना अजवाइन, 1 चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर, और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच मैंने डाल दिया है इसके अंदर कसूरी मेथी, और 1 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी, और कुछ कड़ी पत्ते हैं जिनको मैं काट कर डाल रही हूँ इसके अंदर। 1 कप मैंने मैदा लिया है, मैदे को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप चाहें तो जिस तरह से मैं आधा मैदा ले रही हूँ 1 कप, और 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, उस तरह से बनाएं, या फिर पूरा मैदे से ही बनाएं, या फिर पूरा गेहूं के आटे से ही बनाएं, ऐसी ही कुरकुरी करकारी लगेगी। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हम इस मैदे को ऐड करेंगे ताकि कितना डालना है वो पता चल जाए। तो देखिए, यहाँ पे कितना डालना है वो पहले से पता नहीं रहता। यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, गेहूँ का आटा, उसको भी मैंने ऐड किया है। ये हमारे डो पे, घोल पे कितना पानी हम डाल के पीस रहे उस पे डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितना कम पानी हो सके उतना कम पानी में ही दाल पीसने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये इस तरीके से मैंने उसको मलते हुए पानी सुखा रही हूँ। तो ये गेहूँ के आटा अब मैंने इस्तेमाल किया है, और अब हम इसके अंदर 2 चम्मच पूरा भर के तेल डाल देंगे। पहले से मैंने तेल नहीं डाला था, अब मैं इसके अंदर तेल डाल रही हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा तेल मोयन का काम करेगा, और हमारे हाथ से जितना आटा था वो चिपका हुआ निकल जाएगा। देखिए, हमारा ये डो बनकर तैयार है। अब हम रख देते हैं 2 मिनट के लिए, और एक बर्तन में 3 से 4 चम्मच तेल लेते हैं। आपके पास तेल है तो तेल लीजिए, घी है तो घी लीजिए, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने मैदा ही लिया है 3 चम्मच जितना। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर आटा भी ले सकते हैं, या फिर गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हम बिना लंग्स इस तरीके से फेंट लेंगे ताकि इसके अंदर गांठे नहीं रहे। देखिए, एकदम स्मूथ सा ये बनके तैयार हो चुका है तेल और मैदे का। तो यहाँ पे मैंने ये 2 मिनट हो चुका है, 1 लोई निकाला है, और आप चाहें तो प्लेटफॉर्म पर बनाएँ, आप चाहें तो चकले पर बनाएँ, चौकी पे। यहाँ पे थोड़ा सा मैदा है मैंने इसमें लगा लिया, और जितनी पतली हमारी रोटी होती है उतनी ही पतली इसको हम बेलेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा टाइम बेलने के बाद थोड़ा सा आटा और मैदा और लगा लेंगे और बड़ा कर लेंगे, क्योंकि ये लोई मैंने बड़ा लिया था तो ये रोटी भी बड़ी होगी। बस इसी तरीके से बेल कर हम एक बड़ी रोटी जितना तैयार करेंगे। देखिए, पतली कितनी है, जितनी हमारी रोटी रहती है। अब ये जो मिक्सर मैंने बनाया है, इस मिक्सर को इस तरीके से पूरी रोटी पे
अच्छे से हम फैला देंगे, जिस तरीके से मैं फैला रही हूँ। और फिर थोड़ा सा हम इस तरीके से मैदे को छिड़क देंगे और दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, अगर आप भी वैसे ही फोल्ड करेंगे ना, तो आपकी ये मटरी जैसे मेरी मटरी दिख रही है, सेम बन के तैयार होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिश्रण लगा के थोड़ा सा मैदा लगा लिया और ये एक तरफ करके ये चौकोन बना लिया है। और इसको थोड़ा सा फिर से मैदा डस्ट करके आटा, और इसको मैं बेल रही हूँ, तो देख लीजिए। और साथ ही में मैंने गैस पे तेल भी रख दिया है गरम होने के लिए। और इस तरीके से फिर से थोड़ा सा जो तेल और आटे का घोल है इस पर मैं लगा रही हूँ, और एक बार पलटा है उस पर भी हम थोड़ा सा घी और तेल का मिश्रण लगा लेंगे और ये दोबारा पलट लेंगे बस। और इसको हल्का सा हम बेल लेंगे ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए, देख लीजिए इस तरीके से। अब हम चाकू की मदद से आधा आधा इंच के गैप रखते हुए काट लेंगे, जैसे मैं काट रही हूँ बस। ये मटरी आप चाहें तो 2-3 महीने भी स्टोर करके रख सकते हैं, देख लीजिए कितनी ये पतला मैंने बनाया है। अब इसको एक प्लेट में हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, जैसे मैं निकाल रही हूँ। और तेल जो गरम करने के लिए रखा था, पहले गरम तेल को चेक करते हैं कितना गरम है, तो देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है। और इस जो चेक किया था मैंने छोटा सा पिन डाल के आटे का, वो निकाल दिया। अब हम इसमें एक एक करके मटरी को डाल देंगे। तो ये स्नैक की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और कहाँ से आप देख रहे हैं वो मुझे बताइए। और ये नाश्ता तो आप चाहे बरसात में खाइए, चाहे कहीं घूमने जा रहे तो खाइए, या फिर चाय के साथ खाइए, कभी भी ये नाश्ता स्नैक्स ब्रेकफास्ट आप खा सकते हैं। और बना के इसको एक ही बार में आप ढेर सारा रख सकते हैं। तो देखिए ये कैसे तेल में जाते ही इसकी लेयर खुलने लगी है, दिख रहा होगा आपको। तो मूंग की दाल का ऐसा स्नैक्स कब बनाने वाले हैं आप, मेरे बोलने से एक बार बना कर ज़रूर देखिए। देखिए हमारा ये, मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है, पहले हाई रखा था, जैसे ही थोड़ा हो गया अब हम मीडियम कर देंगे ताकि ये हमारा मटरी एकदम क्रंची हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ी देर इस तरीके से देख लीजिए, पूरा खिल खिल गया है, एक एक परतें अलग अलग हो गई हैं, करारी करारी हमारी ये मटरी तैयार हो गई है। तो बस अब कढ़ाई में से निकाल रही हूँ मैं, और प्लेट में देख लीजिए फ्रेंड्स कितना ये कुरकुरी है, देखने में सुंदर, खाने में मज़ेदार। कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे नए हैं तो। आवाज़ सुनिए इसकी, आवाज़ से ही मन करना, और बनाना कितना आसान है फ्रेंड्स, मैंने आपको ये रेसिपी शेयर की है। तो आप कब बनाने वाले, ज़रूर बना के खाइए, बताइए मुझे कब बना रहे हैं आप।